हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको परसिस्टेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। अगर आपने मेरा परसिस्टेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन के बारे में। अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो आपने भी ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन का प्रॉब्लम आपने फेस किया है। अगर आपने नहीं फेस किया है तो आगे चल के डेफिनेटली आप फेस करने वाले हो। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर कल हो के आप लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेस करते हो तो कल हो के अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आज आप इस वीडियो में सीख लेंगे कि वो कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो आगे चल करके आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि आप एक चीज़ सीख लिए होंगे कि ब्लैक एंड वाइट कभी भी प्रॉब्लम आएगा सिस्टम के अंदर तो हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जान लेंगे कि कैसे रिजॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो स्क्रीन है ये ब्लैक एंड वाइट हो चुका है टोटली, और मैं इस पे मुझे काम करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। इवन मैं कोई भी फाइल भी ओपन मैं कर पा रहा हूँ, पीडीएफ या फिर कोई भी फाइल एक ओपन कर पा रहा हूँ मैं, या इवन कोई मैं ब्राउज भी ओपन कर पा रहा हूँ तो आप इस तरीके का आ रहा है। तो इस तरीके के आने की वजह से मतलब बहुत ही मुझे प्रॉब्लम होता है काम करने में लैपटॉप पे या फिर किसी चीज़ में मुझे बहुत ही दिक्कत होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है या फिर कारण क्या है जिसकी वजह से ये आता है। तो दोस्तों, इसमें कारण कोई ऐसा बता मैं नहीं सकता कि किस कारण की वजह से आता है, बट मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि ये चीज़ से हो सकता है। जैसे कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उस टाइम हमारी कुछ फाइल जो विंडोज़ फाइल जो ग्राफिक फाइल होती है वो इंस्टॉल नहीं होती प्रॉपर, जिसको वजह से आ सकता है। या फिर हमने विंडोज़ ड्राइव इंस्टॉल कर लिया, ग्राफिक कार्ड ड्राइव इंस्टॉल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से भी ऐसा इशू आ सकता है। या फिर जब हमने विंडोज़ इंस्टॉल किया अपडेट नहीं किया, अपडेट की वजह से भी ये आ सकता है, अपडेट की वजह से भी आ सकता है। या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी आ सकता है, डिस्प्ले भी ख़राब हो सकता है, इसकी वजह से भी आ सकता है। और आप चेक भी कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ये ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन आते हैं। एक नहीं, कई सारे रीज़न मैं आपको अभी बता दिया। तो चलिए मैं वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ और मैं आपको ये रिजॉल्व करके बताता हूँ कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जिसके मदद से आप ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन जो लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ करते हो उसमें अगर कभी आता है या फिर आप अभी फेस कर पा रहे हो या फिर आप अभी तक नहीं किए हो या फिर आप देख रहे हो, तो आप ये स्टेप फॉलो करने से आप अपने सिस्टम का ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन का प्रॉब्लम आप रिजॉल्व कर सकते हैं, घर बैठे आप खुद कर सकते हैं। तो दो से तीन विंडो सेटिंग है, उसे आप फॉलो कीजिए। मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि वो क्या है और उसके मदद से आप ये स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन आप रिजॉल्व आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि पहले आपको ड्राइवर्स चेक करने हैं। ड्राइवर्स के लिए आपको दिस पीसी माई कंप्यूटर आपको इस तरीके का दिखेगा, इस पर आपको राइट क्लिक करके आपको मैनेज पे क्लिक कर लेना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का कंप्यूटर मैनेजमेंट का इंटरफेस आपको दिखेगा। इसमें आपको डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करना है। डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करके आप डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं डिस्प्ले अडाप्टर को। डिस्प्ले अडाप्टर यहाँ पे मेरा इंस्टॉल है, अगर इंस्टॉल नहीं होता तो यहाँ पे एक ट्रबल शूट का आता है तो मुझे इसे इंस्टॉल करना पड़ता है, बट आप देख पा रहे हो कि मेरा इंस्टॉल है ऑलरेडी। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे अपडेट तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, और इसके स्कैन हार्डवेयर भी आप कर सकते हैं अगर ये मिसिंग है। तो मैं इसे मिनिमाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये आप देख पा रहे हो कि मेरा ये इंस्टॉल्ड है, इसे मिनिमाइज़ कर पा रहा हूँ। और मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है वीजीए केबल के थ्रू मॉनिटर से कनेक्ट करके कि मेरा डिस्प्ले प्रॉपर आ रहा है। अगर आपके पास मॉनिटर है और आप लैपटॉप भी यूज़ करते हैं तो आप वीजीए केबल के हेल्प से आप चेक कर सकते हैं लैपटॉप का डिस्प्ले। आपको सिर्फ वीजीए केबल कनेक्ट करना है आपके लैपटॉप से और डिस्प्ले आपको चेक करना है। अगर वहाँ पर डिस्प्ले आपको आ रहा है तो फिर आपको कुछ जो मैंने बताया विंडोज़ सेटिंग फॉलो करने के लिए, आप उस सेटिंग को फॉलो करके आप विंडोज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला, हमने चेक कर लिया विंडोज़ सेटिंग, हमारा ड्राइवर्स इंस्टॉल है। सेकंड हमारा जो जो हमारा है
वो है आपको यहाँ पे सेटिंग सेटिंग टाइप कर लेने हैं। सेटिंग को ऐसे आपको ओपन कर लेना है, इस तरीके का विंडो सेटिंग आपको देखेंगे जिसमें आपको सिस्टम डिवाइस फोन नेटवर्क नेटवर्क एंड इंटरनेट आपको देखेंगे, पर्सनलाइज ऐप अकाउंट और टाइम मैनेजमेंट इस तरीके का, एज एक्सेस और कोटाना प्राइवेसी, ये सब आपको दिखेंगे जिसमें आपको क्लिक करना है सिस्टम पे। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको डिवाइस पे क्लिक करना है। डिस्प्ले पे आपको इस तरीके का आपको इंटरफेस कुछ देखने को मिल जाएगा जिसपे आप देख सकते हैं ब्राइटनेस एंड कलर। अगर कम ज़्यादा ब्राइटनेस कम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर नाइट का आपको नाइट लाइट लेना चाहते हैं, अगर नाइट के समय आप काम कर रहे हो तो आप उस हिसाब से अपनी जो ब्राइटनेस होता है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा। तो आते हैं टॉपिक इधर हमारा, हमें करना है कि ब्लैक एंड वाइट हमारा जो डिस्प्ले है उस पे हम बात कर रहे थे। तो उस पे करना क्या है आपको, नॉर्मली आप फाइनल सेटिंग पे आपको टाइप करना है टर्न कलर। सिर्फ आपको टर्न, मैं पूरा लिख देता हूँ, टर्न कलर ये आपको टाइप करना है। और यहाँ से आप देख पाते हैं टर्न कलर फिल्टर ऑन और ऑफ। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि मेरा जो फिल्टर है डिस्प्ले का, ये मेरा ऑफ हो चुका था, तो इस मैंने अभी मैंने ऑन किया है। अब मैं फिर से ऑफ कर दिया, अब मुझे इसे ऑन करना है। तो इसकी वजह से मेरा ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन आ चुका था। तो इसके मदद से मैंने, आप देख पा रहे हैं कि मेरा ये जो विंडो स्क्रीन है पहले के जैसा मैं देख पा रहा हूँ। अभी मुझे कोई भी फाइल ओपन करने में या फिर मैं कोई भी फाइल, इवन मैं प्रॉपर देख भी पा रहा हूँ और पहले के जैसा स्क्रीन भी आ गया। आप भी इसके दो दो तीन स्टेप से आप कर सकते हैं जो मैंने बताया, उसके हेल्प से भी आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं प्लीज़ कि वीडियो कैसा बना है। वीडियो वीडियो आप देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं या फिर लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ ये मत कीजिए।